One eternity later. इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है हाफ कप तेल, और तेल के बदले आप चाहे तो घी या बटर भी यूज कर सकते हैं। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप पाउडर शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी, और फिर इन्हें हमने बिल्कुल ही अच्छे से मिला लेना है। इन दोनों चीजों को हम बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और फिर हमें इस मिक्सचर को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फेंट लेना है। मैं यहाँ चम्मच से फेंट रही हूँ, अगर आपके पास बीटर या फिर मिक्सर अवेलेबल है तो आप उससे फेंट सकते हैं। आप इस मिक्सचर को जितना ज़्यादा फेंटेंगे उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा आपका केक। तो अब हमने इन्हें बिल्कुल अच्छे से फेंट लिया है, अभी हम एक एक करके 3 अंडे डालेंगे, और बिल्कुल अंडे के ऊपर ही आप 1/2 टेबल स्पून मैदा डाल दें और फिर इसे बिल्कुल अच्छे से फेंट लें। अभी फेंट लिया है तो अभी मैं इसमें एक और अंडा डालूंगी और उसी तरह से 1/2 टेबल स्पून मैदा डाल दूंगी। बैटर को बिल्कुल अच्छी तरह से फेंटना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अभी मैं इसमें 3रा अंडा डाल रही हूँ, और अंडा डाल देते ही फिर से मैदा डाल देना है, और फिर इन्हें अब बिल्कुल अच्छे से मिला लेना है, हमें अच्छी तरह से फेंटना है। देखिए इसमें हमने टोटल 3 अंडे डाले हैं, और 3 अंडे डाल के हमें इन्हें बिल्कुल अच्छे से फेंट लेना है। जिस तरह से मैंने इन्हें बहुत ही ज़्यादा फेंटा है, आपको भी उसी तरह से फेंट लेना है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून, और फिर हम इसमें ऐड करने वाले हैं वनीला एसेंस 1 टीस्पून। और उसी बीच हमारा जो कंटेनर जिसमें हम केक को बनाएंगे उसको अच्छे से प्रीहीट कर लेना है। उसके लिए मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है और उसके ऊपर स्टैंड रख लिया है। स्टैंड को रख कर हम इसे ढककर प्रीहीट करने देंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम आंच में। और फिर हमारे बैटर में हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं मैदा 1 कप लिया है, और उसके बाद 1/2 कप डाल रही हूँ मैं मैदा, मतलब मैदा हमने यहाँ पे डाला है 1.5 कप ही, और मैदा को मैंने यहाँ पे पहले से ही छन्नी से छान के डाला है।
हमारे बैटर को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे टूटी फ्रूटीज और कुछ चेरीज। आप चाहें तो इसमें काजू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बस चेरीज और कुछ टूटी फ्रूटी यूज़ किए हैं। तो अभी हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है केक टिन में जाने के लिए। उससे पहले ये करते वक्त ही आप केक टिन को बिल्कुल अच्छे से ग्रीस कर लें तेल या फिर बटर से, और फिर उसमें हल्का सा मैदा छिड़क लें। देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे मैदा छिड़क लिया है और इसमें अभी जा रहा है हमारा बैटर। वाव फ्रेंड्स, मेकिंग केक इज रियली एक्साइटिंग, है ना? आपको भी एक्साइटिंग लग रहा है ना केक को बनाना? तो इस रेसिपी को आप भी जल्द ही बनाइए। बिल्कुल ही इजी और कम टाइम में बनने वाली है ये रेसिपी, जैसे कि मम्मी ने आपको पहले ही बताया था। अभी हम इसे लगा देंगे हमारे गैस में बैठी हुई हमारा जो कंटेनर है उसमें बस रख देना है और इसको हम ढक लेंगे फिर। और ढक्कन लगा लेने के बाद हमें इसके ऊपर लगा देना है एक कपड़ा, जिससे कि इसके अंदर की जो गर्माई है, हीट है, वो बाहर ना निकल पाए। आप देख सकते हैं इससे ये होता है कि हमारा जो कंटेनर है वो बिल्कुल प्रेशर कुकर की तरह काम करता है, जिससे कि बाहर हवा नहीं निकल पाती है, जो गर्म हवा अंदर ही रह जाती है। इसके लिए 2 से 3 मिनट तक हम आग को मीडियम ही रखेंगे और फिर उसके बाद हम आग को हल्की रखेंगे और हल्की रख कर ही उसे 20 से 25 मिनट तक रखेंगे। और फिर 20 से 25 मिनट करीबन हो चुके हैं, करीबन आधा घंटा हो चुका है और हमने हमारे केक को निकाला है। देखिए तो जरा, हाँ, तो ये था मेरा रिएक्शन केक को देखने के बाद, और आपका भी यही होने वाला है। तो अभी जरा हम टूथपिक डालकर देख लेते हैं कि हमारा केक कहीं कच्चा तो नहीं रह गया। बिल्कुल भी नहीं, हमारा केक बिल्कुल ही बढ़िया बना है। तो चलिए अब केक को निकालते हैं और उसे ठंडा होने देते हैं, फिर उठाएंगे हम केक का मजा। हमारी रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। तो आपने भी सीख लिया है कि इस केक को बनाना कैसे है बिल्कुल इजीली। तो अभी बस ये करना है कि हमें केक को काटना है और क्रिसमस सेलिब्रेट करना है। तो चलो मम्मी, केक काटते हैं। वाओ, ये तो एकदम स्पॉन्जी बना है। देखिए गाइस, कहा था ना मैंने, ये बिल्कुल ही स्पॉन्जी बना है, देख सकते हैं आप। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट कर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हम आपसे मिलेंगे हमारे एक और नए रेसिपी के साथ हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।